ओके काम करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है तैयार। आइए बिगुल के साथ किया जाए, आइए चलते हैं सचिव जी के पास। बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। गुड आफ्टरनून सचिव जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर अपोलो टायर्स में, अपोलो हॉस्पिटल में काफी दिनों से एक लगातार लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बन रही थी एंड 6000 के आसपास जो इसका एक बेस है वो इनकन्फर्म हुआ था एंड वहीं से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की मूव अनफोल्ड हो रही है। सो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी ऑन द पॉजिटिव साइड। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 6250 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए। सो इसीलिए खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6095 के आसपास लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 6230 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 6300 का। खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल से फ्यूचर्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चलिए। थिक एंड फास्ट आपके लिए कुछ बढ़िया बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं और वो यही भी है क्योंकि बाजार में आपको एक बढ़िया रिकवरी दिख रही है। 22100 को निफ्टी ने क्रॉस किया है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। सचिव जी के पास चलते हैं BTS डबल टी के लिए। बताएं सचिव जी। दीपांशु यहाँ पर बिकवाली करनी है इंफोसिस के फ्यूचर्स में। आज सुबह से ऑलमोस्ट एक ओपन हाई फॉर्मेशन के बाद यू नो लगातार इसमें थोड़ा सा दबाव रहा है एंड अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने अभी अभी तोड़ा है। तो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1640 के आसपास एक काफी फर्म रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट नीचे लगभग अराउंड 1580 के आसपास प्लेस्ड है। इसका अगर हम शॉर्ट टर्म यू नो एवरेजेस का डेटा भी देखें तो कहीं जाकर एवरेजेस का क्लस्टर भी इसी लेवल के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी इन्फोसिस के काउंटर में। जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है तो मुझे लग रहा है 1620 का भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है एंड रिव्यू जोन लगभग अराउंड 1580 के आसपास प्लेस्ड है। 1580 तक जाने की क्षमता रखता है इन्फोसिस। तो मीनवाइल अगर आप ऑटोज, मेटल्स, बैंक्स का योगदान देख रहे हैं तो दूसरी तरफ पहला शॉर्ट कॉल है। ओके, पहला शॉर्ट कॉल आज का है 1580 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1620 का, 1612-13 के आसपास करें शॉर्ट। ये है राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। बट एक स्टॉक जहां पर भारी भरकम पिटाई हो रही है और वो है कोफोर्ज। अब 7.5% टूट चुका है ये काउंटर। एक बार सचिन जी से जरा कोफोर्ज के चार्ट पर राय लेनी है। सचिन जी, अभी आप इन्फी की बात कर रहे थे बट कोफोर्ज फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट थी, आज तो खैर काफी भारी पिटाई हुई है इस काउंटर की। अब अगले लेवल इसके लिए क्या निकलते हैं दीपांशु? इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन नजर आ ही रहा है। इनफैक्ट 5900 के आसपास से फ्राइडे थर्सडे के सेशंस में जो रिकवरी हुई थी तो ये पर्टिकुलर लेवल यू नो काफी अच्छा डिपेंडेबल सपोर्ट ही यू नो के इंडिकेशन ही दिखा रहा था। बट जिस तरीके से वापस इसके नीचे स्लिपेजेस हुए हैं तो आई थिंक इसका जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है वो लगभग अराउंड 5600 के आसपास है जहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है एंड प्लस इसके डेली आरएसआई पे एक काफी बड़ा ओवरसोल्ड जोन हिट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है बट 5600 का सपोर्ट मुझे लग रहा है वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो फिर मेजर सपोर्ट 5200 के पहले प्लेस नहीं है। तो अगर रिवर्सल होना है या स्टेबिलिटी आनी है तो इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास नजर आ सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है, जिस तरीके से पूरे सेक्टर में थोड़ी सी हलचल है तो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 5740 के आसपास ट्रेल करें। ओके, जब से इनकी फंड रेज की खबर आई है तब से हम देख रहे हैं स्टॉक में पिटाई। थर्सडे नाइट को आई थी आई थिंक खबर, फ्राइडे और आज देख लीजिए भारी भरकम पिटाई हुई है। अब खबर आ रही है कि QIP के जरिए ये फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं तो इक्विटी से के जरिए फंड रेज करना है। जय की तरह आप भी शो देखिएगा और समझिएगा कि आज इस डाइट का क्या मतलब है।